तो नाइट्रीन के फॉर्मेशन के दो मेथड हैं, और उसी नाइट्रीन में आइसोसाइनेट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो प्राइमरी अमीन बन जाती है इन कंटिन्यूएशन। अब हम नाइट्रीन मैकेनिज्म की, जिसमें आइसोसाइनेट भी बनता है, वो लास्ट मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं थ्रू स्मिट रिएक्शन। जो स्मिट रिएक्शन है, आपने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी, जिसमें आर सी ओ नेगेटिव की हाइड्रोलिसिस करते थे हम लोग, सीओ टू निकल जाती थी, आर रेडिकल वुड 16 की तरह इवन एल्केन बना लेता था। अगर फॉर्मिक एसिड है तो H2 भी बन जाता था एनोड पर, कैथोड पे तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में H2 बनता ही है। फिर हमने स्मिट रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और कोलबे स्मिट रिएक्शन भी हम लोगों ने देखी है। इफ यू रिमेम्बर, सीओ टू एनएओएच के साथ या बॉइलिंग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनोल की रिएक्शन, कोलबे स्मिट रिएक्शन, उससे सैलिसिलिक एसिड बनता था, दैट वी हैव सीन। तो स्मिट रिएक्शन, कोलबे स्मिट रिएक्शन एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये तीन अलग अलग रिएक्शन है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट वाली स्मिट रिएक्शन। इसमें दो एसिड यूज करोगे, एक ऑर्गेनिक एसिड जिसका आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे ज्यादा सीनियरिटी है, और दूसरा हाइड्रा एसिड, और वो है एजोइक एसिड HN3। HN3 में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर N3-1 में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल होता है, और HN3 में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल होता है। बस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके OH हटकर N3 आ जाएगा, एजाइड ग्रुप आ जाएगा N3H। हीटिंग हम लोग करेंगे, अगर HIN है तो अच्छी बात है। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद आइसोसाइनेट बन जाएगा, और आइसोसाइनेट बनने के बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस में हीटिंग इसलिए जरूरत होती है क्योंकि सीओ टू निकलता है आर NHCO नेगेटिव से, वो आप लोग जानते हैं। प्राइमरी अमीन आपका बन रहा है, दिस इज प्राइमरी अमीन। तो अभी तक के सभी रिएक्शंस में प्राइमरी अमीन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन बन रहा था। जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो सॉल्वेंट से आती है, लोजन रिएक्शन में भी, कर्टियस रिएक्शन में भी, सभी में प्राइमरी अमीन बन रहा था। N3 है, तीन तीन नाइट्रोजन है, तो N2 तो निकलेगी, साफ साफ वैसे दिखाई दे रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइनेट में CO2 निकलती है, तो CO2 विल ऑल्सो बी द प्रोडक्ट, बट प्राइमरी अमीन इज मेजर प्रोडक्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इट। सबसे पहली रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर मैं देखूं, मैं SN2TH मैकेनिज्म और SN एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव को हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं। देखो बच्चों, H पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करेगा, एडिशन होगा, एसिडिक कंडीशन है तो पहले प्रोटोनेशन करवा दोगे, फिर एलिमिनेशन होगा, ओ पॉजिटिव बनाकर इधर ओ एच टू पॉजिटिव एच टू को लीव करवा दोगे, और फाइनली रिएक्शन होगी क्या, उसको आप यहां से देख सकते हो बड़ी आसानी से। एडिशन और एलिमिनेशन के बाद लिविंग ग्रुप ओ एच चला जाएगा, उसकी जगह N3H न्यूक्लियोफाइल का N3 आ जाएगा। अब N3 को थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो आई कैन राइट दिस वे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अब देखो, जब भी N3 रहता है उसको अगर हम हीट कर दें या रेडिएशन दे दें, हमने हीट किया इधर, तो N2 निकल जाता है, ऑल ऑफ अस नो इट, एंड एक फेमस असाइल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रीन तैयार हो जाती है। ये बड़ा स्टैंडर्ड मेथड हम लोग जानते हैं, जैसे ही ये बन जाए हरदम आपको फिक्स है, ये रीअरेंजमेंट में जाती है, जिसको वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं, जिसको हम वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं। आर
आइसोसाइनेट बनता है, सारा मैकेनिज्म आप लोग पहले से जानते हो। अब फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के बाद बन चुका है आइसोसाइनेट। उसके बाद आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस वाला सेकेंड स्टेप, ये तो बहुत ही कॉमन स्टेप है आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस। एसिडिक बेसिक किसी भी कंडीशन में पर हीटिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि CO2 निकलता है। आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस से हरदम प्राइमरी अमीन बनता है और प्राइमरी अमीन में जो हाइड्रोजन होती है वो सॉल्वेंट से आती है प्लस CO2 निकलता है। आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस में हरदम CO2 यहां से निकल गया, N2 यहां से, तो ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट N2 एंड CO2 आर आल्सो देयर अलोंग विद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन। तो स्मिट रिएक्शन में दो एसिड होते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। दोनों एसिड्स में हाइड्रोजोइक एसिड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये हम पहले से जानते हैं। तो इस रिएक्शन में स्मिट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड reaction with azoic acid to form isocyanate and then hydrolysis, this reaction में हमें कुछ भी ज्यादा नया सीखने के लिए है ही नहीं। SN2 TH हम पहले से जानते हैं, hydrolysis of isocyanate पहले से जानते हैं, Wolff rearrangement पहले से जानते हैं, और azide compound हो तो N2 निकलकर nitrene बनने का step हम formation of nitrene में हम लोग पहले देख चुके हैं। No step is there जो कि नया हो mechanism के हिसाब से, all steps are older steps of mechanism, nothing new in it in Schmidt reaction, rest everything is very simple, very very easy. Done. Okay बच्चों, Schmidt reaction aldehyde ketone की भी होती है। अब अभी हमने देखी थी जो ये रिएजेंट यूज करते हो, लिखो हाइड्राजोइक एसिड ये एंड देन हाइड्रोलिसिस, ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और अभी अभी आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो इनकी रिएक्शन देखी ही थी। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और इनके साथ फर्क है, एल्डिहाइड कीटोन में कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे एजोइक एसिड का नाइट्रोजन अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक आपका एडिशन रिएक्शन, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, लेकिन हीटिंग की जरूरत पड़ती है हमें, हीटिंग की हमें जरूरत पड़ती है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। लिखो स्मिट रिएक्शन कैन बी डन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एज वेल, कैन बी डन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एज वेल। रिएजेंट ऑफ स्मिट रिएक्शन है ना, जो N3HHIN है, देन H2O भी आपके पास रहेगा जो हाइड्रोलिसिस में। अब देखो मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले मैं स्मिट रिएक्शन आपको लिख देता हूँ, मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे इसमें, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे पहले मैं कीटोन की बात करता हूँ फिर एल्डिहाइड की बात करूंगा। बच्चों एजोइक एसिड है, इसी में ही मैं H2OHIN हीट कर दूं, हाइड्रोलिसिस वाला भी, दैट विल वर्क। इससे होता क्या है, स्मिट रिएक्शन से व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर, सेकेंड डिग्री अमाइड कीटोन के स्मिट से रिएक्शन से बनता है। आर डैश के इधर एनएच घुसा दो या फिर आर के इधर एनएच आप इंसर्ट कर दीजिए तो प्रोडक्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं।
ये सेकेंड डिग्री अमाइड है, ये भी सेकेंड डिग्री अमाइड है। तो कीटोन से सेकेंड डिग्री अमाइड एजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के साथ थोड़ा सा फर्क है। ये कीटोन हो गए, अब मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं। सेम यही स्मिथ रिएक्शन वाला रिएजेंट एक साइनाइड बनाता है, लेकिन एच सी डब्लो, यहां आर के साइड तो एनएच इंसर्ट कर दो आप, सेकेंड डिग्री अमाइड भी बनाता है और साइनाइड भी बनाता है। ये एल्डिहाइड में साइनाइड और अमाइड दोनों बनेंगे, और कीटोन से एजोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो आपका सेकेंड डिग्री अमाइड बनेगा, कहीं पे भी एनएच आप इंसर्ट कर दीजिए। दीज आर योर प्रोडक्ट्स, और जहां एजोइक एसिड होगा नाइट्रोजन साथ में जरूर निकल रहा होगा, इसमें कोई दोराय है नहीं। मैं कुछ एक स्पेशल कार्बोकेटायन की बात करता हूं। ये तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शंस हैं, इनका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, बट यू मस्ट रिमेंबर दीज रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट कार्बोकेटायन, सम इंपॉर्टेंट कार्बोकेटायन। देखो बच्चों, क्या आप ये कार्बोकेटायन जानते हैं? इसी तरह का सी डबल बॉन्ड सी यहां पे तो कुछ कार्बोकेटायन आप जानते हैं, इधर सी डबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कुछ इस तरह का रहेगा। कार्बिन मैकेनिज्म में इस तरह का कार्बोकेटायन रहेगा, कार्बिन मैकेनिज्म में इस तरह का कार्बोकेटायन रहेगा। नाइट्रीन मैकेनिज्म में नाइट्रोजन वाला कार्बोकेटायन बनेगा। इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो इसके पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग है, इसके पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग है। इन दोनों कार्बोकेटायन को कोई तकलीफ नहीं है, ये किसी रिएक्शन में बनना चाहेंगे तो बड़े प्यार से बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लोरीन का फसाइलेशन में सबसे पहले वाला असाइलियम कार्बोकेटायन बनता था, वो बेंजीन रिंग पे एरोमेटिक रिंग के ऊपर एच पॉजिटिव को हटाकर आ जाता था बड़े प्यार से, वेरी सिंपली। सेम वे यहां पर भी नाइट्रीन मैकेनिज्म में हम इसको अहमियत देंगे। जरा देखिए अब ये कब बनेगा, वी विल सी। ये तीनों तरह की सिचुएशन आपको मिलेंगी, ये तो खूब देख चुके हो, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में। देखो बच्चों, सी डबल बॉन्ड एन जी, लोन पेयर को मैं इसे दिखा देता हूं, यहां पे कोई ग्रुप है। बिहेवियर ऑफ दिस कार्बोकेटायन लिखो, बिहेवियर ऑफ जो कार्बोकेटायन में लिखा है, ऑफ दिस टॉपिक डालिए बिहेवियर ऑफ दिस कार्बोकेटायन।
अब इस तरह का कार्बोकेटाइन बनता कब है? लेट अस सी, इन दोनों तरह के कार्बोकेटाइन बनते कब हैं वो भी हम लोग देखेंगे, बट इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा आपका। इस तरह के कार्बोकेटाइन पे दो केस हो सकते हैं, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनाता हूं बैक बॉन्डिंग करने के बाद, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अगर ये ग्रुप जी पॉजिटिव की फॉर्म में फायर हो सकता है और जी पॉजिटिव की फॉर्म में फायर होगा तो स्टेबल होना चाहिए वो कार्बन पॉजिटिव यहां से जो लिव करेगा या कोई भी ग्रुप, तो ठीक है वो लिव कर जाएगा। जैसे एक चीज हमने बहुत कॉमन देखी है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग करती है जब उसके पास हाइड्रोजन होता है और ओ पॉजिटिव एन पॉजिटिव बनने के बाद न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है एच पॉजिटिव आयन फायर होते ही, और सारे रूल साइडलाइन करके हम वही प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बोकेटाइन रिअरेंजमेंट में हमने सारे रूल साइडलाइन कर देते थे और इस तरह का न्यूट्रल प्रोडक्ट बना लेते थे, ये कार्बोकेटाइन रिअरेंजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का आज दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड करता है ये जी कैसा है, इसके ऊपर दो केस बनेंगे। केस वन, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और रिएक्शन होगी। केस टू, ये तो एक ही है रेजोनेंट स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दूसरे रेजोनेंट स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि अगर जी पॉजिटिव फायर हो जाए तो साइनाइड ही प्रोडक्ट बन जाएगा, पर यहां पर ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो जी पॉजिटिव के रूप में फायर होने के लिए खुश हो। माइनस मतलब निकल रहा है, ठीक है ना, माइनस मतलब निकल रहा है। दिस इज सेकंड केस एंड दिस इज फर्स्ट केस, दो केस बनेंगे इसके कार्बोकेटाइन के इन क्वेश्चंस। देयर विल बी टू केसेस, देयर विल बी टू केसेस। अब मैं कुछ ये वाला केस, केस सेकंड में पहले ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड N, यहां पे अगर H है या फिर CH2OH है या फिर CH2NH2 है या फिर CH2NH के साथ और कोई ग्रुप है, लाइक दिस, कोई लिविंग ग्रुप अच्छा है जैसे N2 हो, N2 पॉजिटिव जो N2 की फॉर्म में जाना चाहता हो, OH2 पॉजिटिव हो, इस तरह यहां पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो लिव कर जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में उसको छोड़ दो अभी। तो देखो जैसे मैं बनाता हूं सिचुएशन सी, आप लिखते रहे, बैक बॉन्डिंग हो गई, एन पॉजिटिव बन गया, एच आ गया, तो तुरंत क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, एन से एच पॉजिटिव फायर होने की तो हमें आदत हो गई है, डन। अगर यहां पर एच है तो ऐसा हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा सर। यस, एन टू पॉजिटिव कैसे फायर होगा फिर, उसको तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा इंतजार करो, ठीक है, हाँ, राइट, अभी 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 आते हैं उसके ऊपर। देखो यहां पर अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड एन है, बैक बॉन्डिंग हो गई, यहां पर आपका CH2 NH2 वाली सिचुएशन हो गई,
है, ये अगर इलेक्ट्रॉन देखकर चला जाता है एन टू पॉजिटिव को, डेफिनेटली रिमूव कर दीजिए, ये हो गया एन पॉजिटिव सी एस टू, यहां पे खुशी खुशी चला जाएगा क्योंकि जो कार्बोकैटायन बना उसको हम जानते हैं बहुत पहले से। अब इसमें बैकबॉन्डिंग होगी वो मैं लिख नहीं रहा, एन और फायर हो जाएगा ये। अब ये इमीन बन गया और इमीन की तो हाइड्रोलिसिस आप लोग करवा सकते हैं बड़ी आसानी से, यू कैन डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन। एक एस टू और लिख लेना इसके ऊपर, वैलेंस सेटिस्फाई कर लेना। इमीन के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और एल्डिहाइड बन जाता है, आप जानते हैं एल्डिहाइड या कीटोन व्हाट एवर भी, या हाइड्रोजन दो है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों कार्बन है इन दोनों हाइड्रोजन की बजाय तो कीटोन बन जाएगा, इमीन के हाइड्रोलिसिस आप लोग जानते हैं। बनाए फुटबॉल में, जबकि एक टीम में फोर थे और मैं एक ही था। ओके ओके फाइन। देखो ये इमीन है बच्चों, अब इसमें जो फ्री वैलेंसी है वहां पर हाइड्रोजन या फिर कार्बन कुछ भी हो सकता है जहां फ्री वैलेंसी छोड़ रखी है। ट्रिक क्या है अपना, अगर हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जनरली इसके साथ हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर देते हैं ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एच और इसके साथ ओ एच, दो बार ओ एच आएंगे इधर तो सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, एच एच है फॉर्मल्डिहाइड, आर एच है तो बाकी दूसरे एल्डिहाइड बन जाएंगे, आर आर है तो कीटोन बन जाएंगे, प्लस एन एस थ्री, प्लस एन एस थ्री। कोई कंफ्यूजन बच्चों, सिंपल। अब इसको आप पुरानी कार्बोकैटायन की नॉलेज से कोरिलेट कर सकते हो, दिस इज, इसी तरह मैं बाकी भी लिख देता हूं। यहां पर अगर ये वाली सिचुएशन है तो सेम ही है, इसमें डिफरेंस क्या है, दिस इज सेम NHR है पर कोई ना कोई हाइड्रोजन होना चाहिए फायर होने के लिए, तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव फायर होकर C, ओ कुछ और लिख दिया मैंने, ये लिखना था, एक कार्बन मिस कर दिया, सी सी एच टू एन एच आर, बीच वाला कार्बन मिस कर दिया था हमने तो, और एन नाइट्रोजन लिखना है हमें, सॉरी। तो देखो बैक बॉन्डिंग होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा इधर कार्बन के ऊपर न्यूट्रल, अब ये एन पॉजिटिव होगा तो फायर होने के लिए खुश है, सी डबल ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाएगा और सी एस टू एन एच आर बन जाएगा, इसकी बैक बॉन्डिंग फर्दर होगी, यही पुराना कार्बोकैटायन बन गया, पुराना कार्बोकैटायन और कार्बन जिससे दो हाइड्रोजन या कुछ भी लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड एन आर हो जाएगा और इसकी हाइड्रोलिसिस से एच ओ एच ऐड कर इधर कार्बोनिल बन जाएगा और उधर एन एच टू हो जाएगा, अमोनिया की बजाय प्राइमरी अमीन बन जाएगा, सेम स्टाइल, यही स्टाइल फ्री वैलेंसी दिखा दिया था मैंने यहाँ पर ताकि बाकी पॉसिबिलिटी आपकी कवर हो जाए। अभी जो मैंने एन टू और एच टू पॉजिटिव लिखा था वो एन टू और एच टू पॉजिटिव जो मैंने अभी अभी लिखा था उससे ही ये सिचुएशन, ये कार्बोकैटायन जनरेट होता है जब ये लीव करता है, तो वो इनके बनने में रोल अदा करता है, वो मैं अगले वाले में लिखूंगा अगले केस में, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ही स्टेबल जब कार्बोकैटायन बन रहा हो यहाँ पर, यहाँ पे और भी हो सकते हैं जैसे जिनको बनने में तकलीफ है नहीं, बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बने वो सब भी हो सकते हैं इधर, नो प्रॉब्लम, दीज कैन बी देयर, और इनको भी आप बना के देख सकते हैं क्या सिचुएशन जनरेट होगी। सी डबल बॉन्ड एन था आपका, ये वाला कार्बोकैटायन था आपका, क्या लिया हमने बच्चों, हमने कार्बन फिनाइल तीन फिनाइल ले लिया है, फिर एक मिथाइल दो फिनाइल ले लो, अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकैटायन इनसे बन जाएगा। बैक बॉन्डिंग करवा दो तो बैक बॉन्डिंग करवाते ही मैं ऐसे लिख सकता हूं उसी कार्बोकैटायन को। अब
इसको बनने में ज्यादा तकलीफ है नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन काफी स्टेबल कार्बोकैटायन है, फिनाइल या फिर मिथाइल ये बन जाएगा आपका। अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो इससे क्या तो न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हीटिंग कर रहे हैं एलिमिनेशन हो सकता है। अगर तीनों फिनाइल होंगे तो एलिमिनेशन का केस जनरेट होता नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन उधर है नहीं, लेकिन यहाँ पे मिथाइल है तो एलिमिनेशन का भी केस जनरेट हो सकता है। एच पॉजिटिव फायर कर दो, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऐसा तो आपने E1 में बार बार किया है, E1 में बार बार यही तो किया है। और न्यूक्लियोफाइल अगर हीटिंग नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है तो वो तो बिहेवियर कार्बोकैटायन का पहले से जानते हो कि SN1 में जाएगा या E1 में जाएगा, हीटिंग है तो E1 में चला जाएगा और हीटिंग नहीं है तो कार्बोकैटायन फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वो काम करके एडिशन कर लेगा। तो ये कुछ खास कार्बोकैटायन के बिहेवियर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह का कार्बोकैटायन जनरली कब बनता है, व्हेन सच टाइप ऑफ कार्बोकैटायन डज फॉर्म आपके रिएक्शंस में, व्हेन सच टाइप ऑफ कार्बोकैटायन डज फॉर्म, क्वेश्चन लिखो, व्हेन डज सच टाइप ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। ओके बच्चों, देखो ये एक इंटरेस्टिंग केस है। यहां पे कोई ऐसा ग्रुप होगा जो लीव करने के लिए रेडी हो रहा होगा, जैसे N2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, इस तरह N2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, कॉमनली आपको यही दो मिलेंगे, यू विल फाइंड दिस टू, वेरी रेयरली O S डबल बॉन्ड O डबल PH, पर इन सब के चांसेस बहुत कम है, ये दो मिलेंगे आपको मिलने। अब होगा क्या कि इस तरह जब ये लिविंग ग्रुप जा रहा होगा, सोचना, बिल्कुल ये पुरानी चीज लगेगी आपको, ऐसा ही जब कार्बन पे लोन पेयर होगा तो नेगेटिव होगा, ऐसा ही इधर भी हो सकता है। अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो कोई, दीज टू आर वेरी कॉमन। तो जैसे ये N2 या H2O निकलेगा तो यहां पे नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह का डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनता है, लेकिन प्योरली इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट यहां पर होता है। जैसे ही ये जाता है इसका जो ट्रांस वाला ग्रुप है वो इधर आ जाता है, दिस इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। जैसे ही ये जाता है लिविंग ग्रुप जाता है तो ये इधर आ जाता है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन स्टोरी। ये एक अच्छा डिस्कशन है, सी डबल बॉन्ड N ग्रुप तो इधर आ गया और जो आप कार्बोकैटायन देख रहे थे वो कार्बोकैटायन बन गया, ग्रुप तो इधर आ गया, यहाँ पे कार्बन है और जो आप कार्बोकैटायन देख रहे थे वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। आर था तो आर लगा लीजिए। क्या देखा बच्चों आपने,
कि लिविंग ग्रुप के जो ट्रांसपोजिशन पे वो ग्रुप माइग्रेट, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी रिटेंशन रहेगा। इंट्रामोलिकुलर है कोई फ्री। अब ऐसा हुआ क्यों, बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा आप कनेक्शन पीछे की प्रीवियस नॉलेज से रखे तो देखो बच्चों क्या हुआ, जैसे ये लिविंग ग्रुप जाएगा एन के ऊपर, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव बन जाएगा, या नेगेटिव है तो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन पॉजिटिव के ऊपर, ओ पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, एन पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड हो या कुछ भी हो, इज सुसाइडल केस। इस तरह का कभी आप रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट नहीं बनाते हैं। एन पॉजिटिव ओ पॉजिटिव जैसे क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का या बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन, सभी में ऐसा ही तो बन रहा था, ऐसा ऑक्सीजन बन रहा था जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा ओ पॉजिटिव बन रहा था। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में भी और बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन में भी सेम यही फंडा था, वहां पर रीअरेंजमेंट करवाया था, बिल्कुल सेम स्टाइल में रीअरेंजमेंट करवाया था। इफ यू रिमेंबर कि एन पॉजिटिव बनने से अच्छा है सी पॉजिटिव बन जाए, और हमने सी पॉजिटिव बना दिया, देखो इधर ये सी पॉजिटिव तो बनाया, तो इसलिए माइग्रेशन होता है। एन पॉजिटिव बना नहीं सकते तो तुरंत माइग्रेशन करो, सी पॉजिटिव तुरंत चट मंगनी पट भी फटा, दैट इज द वे। यस, तो रीअरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं, तो सच टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज देयर ऑन दिस स्पेशल कार्बन मैकेनिज्म में। यहां पे कार्बिन तो नाइट्रीन तो नहीं बनी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन तो बन गया। नाइट्रीन तो नहीं बनी बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन तो बन गया, तो ये वही कार्बोकैटायन बन गया जो आपने देखा था, ये वही कार्बोकैटायन है। यहाँ पे जी मैंने अलग अलग लिए थे वो केस के ऊपर, अगर वहां पर, हाँ एक पोर्शन वहां पर मिस कर दिया हमने, कि अगर ये ग्रुप है तो साइनाइड बन जाएगा, अगर इस कार्बोकैटायन के इधर ये ग्रुप है तो ये बन जाएगा, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सी डबल बॉन्ड एन न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और ये बनेगा, इसमें फर्दर टोटोमेरिज्म जो कुछ भी होना होगा वो तो बाद की कहानी है, बट दिस इज द थिंग। तो दो केस अराइज होते हैं स्पेशल कार्बोकैटायन के बिहेवियर में, कि अगर बैक बॉन्डिंग होने के बाद कुछ फायर होने लायक ग्रुप है, ढंग का स्टेबल बन जाएगा लीव करके वो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद देकर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बाद एन पॉजिटिव लेकर नहीं जा रहा, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर न्यूक्लियोफाइल लास्ट में अटैक करेगा, उसके बाद जो होना होगा वो केस डिपेंडेंट, वो सब और ही पुरानी पढ़ी लिखी चीजें होंगी अलग अलग, ठीक है। साइनाइड, अब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करवाओ, फर्दर रिएक्शन में जो भी करवाओ, बहुत सारे स्टेप्स आगे के रिएक्शन के एक क्वेश्चन का हिस्सा हो तो वो पुरानी रिएक्शन सब यूज करेंगे, दैट्स ऑल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, एक स्पेशल टाइप का कार्बोकैटायन कैसे बनता है और इस स्पेशल टाइप के कार्बोकैटायन पे कौन से न्यूक्लियोफाइल आएगा, या फिर उस पे एन पॉजिटिव पे कुछ ग्रुप है वो फायर हो जाएगा, लीव कर जाएगा पर इलेक्ट्रॉन देकर, उसको लिविंग ग्रुप नहीं बोलते, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, दैट्स ऑल। यहां पर लिविंग ग्रुप हो गए बनाते टाइम एन टू पॉजिटिव एन ओ एस टू, यहां पर लिविंग ग्रुप मैंने लिखा, वेयर इट इज, इट इज गॉन, दिस इज द लिविंग ग्रुप, लिव करेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, जैसा लिविंग ग्रुप की मतलब हमें पता है, द सेम थिंग इज देयर। ओके बच्चों, अब मैं इस डिस्कशन को यूज कर सकता हूं, नाउ आई विल यूज इट, यस प्लीज। ये इसमें दूसरे वाली रिएक्शन में जिस कार्बन पे जी जुड़ा उस पर नेगेटिव आएगा, कहां पर, प्रोडक्ट में, इधर इधर इसी पेज पे, हाँ नीचे वाली रिएक्शन में, नीचे वाली रिएक्शन में,
हाँ वो दैट इज फाइन, दैट्स परफेक्ट। ट्रिपल बॉन्ड ये माइनस हम मिस कर गए इधर लिखना, करेक्ट परफेक्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन, देखो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल की तलाश होती है, एंड दिस स्टोरी गोज ऑन। देखिए भाई साहब, मैं एल्डिहाइड में और कीटोन में, पहले मैं कीटोन की बात कर लेता हूं। कीटोन की रिएक्शन एजोइक एसिड एच आई एन, बट विद हीटिंग, दो तरह की सिचुएशन बनती है आपकी। सेकेंड डिग्री एमाइड एंड सेकेंड डिग्री एमाइड फ्रॉम कीटोन, दोनों का मिक्सचर बनेगा। Let us see, एल्डिहाइड कीटोन आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करते करते तो आप देखते देखते थक गए हो गए, ये चीज यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन है तो सबसे पहले ही काम तो करोगे ही करोगे। ओ एच आर फॉर्मल चार्ज प्लस वन लगा लीजिए। इसको अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में ज्यादा अच्छी तरह देखना चाहते हो समझने के लिए, तो इसका दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये वाला। That is best way. ये वाला आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना लें। अब न्यूक्लियोफाइल आपके पास तैयार है N3H का, केमिकल बॉन्डिंग से हम देखते आ रहे हैं इसको। फॉर्मल चार्जेस नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा था इधर प्लस वन, अब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो एक लोन पेयर तो चला गया साहब का ये वाला, तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। दिस इज द सिचुएशन। आर एक आपका आर1 आर2 बोला है तो आर1 आर2 बोलते रहो। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, एन के ऊपर एन पॉजिटिव के ऊपर एच है तो एच पॉजिटिव आयन फायर हो जाएगा, फायर हो जाएगा लेकिन हीटिंग स्टेप में बहुत, एच पॉजिटिव आयन यहां से यहां ट्रांसफर कर दो या फायर करके दोबारा से लगा दो, दोनों तरह मैकेनिज्म लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये वाली सिचुएशन, लेकिन ये वाली सिचुएशन आते ही ये जाने को तैयार है क्योंकि हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन H2 निकलेगा, लेकिन ये कार्बन पॉजिटिव बनने में ज्यादा तकलीफ नहीं लेगा क्योंकि इसकी बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है, बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है, दैट इज देयर। ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन होगी जो E1CB में होती है कि लिविंग ग्रुप नहीं भी जा रहा है तो बराबर का लोन पेयर आ गया, उधर कार्बन नेगेटिव बन जाता था E1CB में और वो उसको फोर्स कर देता था कि बेटा जा निकल, सी डबल बॉन्ड एन फॉर्मल चार्ज तो आप लोग आसानी जानते हैं, चार बॉन्ड बनाते हैं पॉजिटिव, ये बन गया आपका डन। ये हीटिंग का हिस्सा है H2 निकलना, हीटिंग से डायरेक्टली HOH आप निकाल ले इधर से। एनीवे, तो देखो ये जो आपका बना यहां पे एल्डिहाइड की बजाय कीटोन होगा तो सेम दोनों R की जगह पर R1 R2 की जगह H कर दो तो सब छोटा एल्डिहाइड बन जाता है, एक की जगह R दूसरी जगह H, तो बचे हुए एल्डिहाइड उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये वही चीज है जो आपने कुछ रोज पहले कुछ मिनट्स पहले देखी थी।
R1 R2 बोल देता हूं मैं, कीटोन का देख रहा हूं। तो देखो जी, क्या मैं इसका दूसरा एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना लूं? यही है, यही यही आयन है। सी डबल बोन, लोन पेयर टू बोन पेयर, बोन पेयर टू लोन पेयर, एंड ट्रिपल बोन, ओ न्यूट्रल। और ये एक लोन पेयर गया, लेकिन इसकी बॉन्डिंग में उतने ही बोन है जैसे पहले वाली सिचुएशन है। ये न्यूट्रल हो जाएगा आपका। अब R1 R2 इस पे एक लोन पेयर है और एक ये है। ये सिचुएशन बहुत पुरानी सिचुएशन लग रही होगी आपको। यहां पे N2 पॉजिटिव में दिखा लेता हूं, ये आपके लोन पेयर है। GI इस, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जिसके अक्रॉस GI आप लोग देख चुके हो, सी डबल बॉन्ड N सिस्टम के। अमोनिया डेरिवेटिव में यही सी डबल बॉन्ड है, नहीं तो बनाया आपने बार बार में अमोनिया डेरिवेटिव में। ऑक्सीजन निकल जाता था, सेम यही नाइट्रोजन है, अमोनिया डेरिवेटिव नाइट्रोजन था, सेम ही तरह की सिचुएशन थी इफ यू लुक बैक। ओके, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ट्रांसपोजिशन पे जो भी होगा वो यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा और वही पुरानी चीज, वही पुराना कार्बोकैटायन, बन जाएगा। अगर R1 R2 दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो अब आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बताओ आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है? H2O है, एज यू नो। यहां पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल H2O भी है आपके पास। ये अटैक करेगा और बन जाएगा आपका R1C। HIN फायर करने के बाद में डायरेक्टली लिख रहा हूं N। क्या इधर से आप टोटोमराइजेशन करवा देंगे तो ये हो जाएगा R1C डबल बॉन्ड O NH8। तो कौन माइग्रेट हुआ था? R2। तो नाइट्रोजन के साथ कौन आया सेकेंड डिग्री अमाइड में? R2। यानी कि जो माइग्रेट होता है वही सेकेंड डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन के साइड जुड़ा हुआ होता है, बाकी तो कार्बन के साइड था, कार्बन के साइड है R1 R2 में से बचा हुआ। अगर ट्रांस में R1 होता कोई भी हो सकता है, जब तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में नहीं बना तो नॉर्मल है तो कोई भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, R1 R2 इधर हो या R2 R1 उल्टा हो इससे, तो फिर R2 चला जाएगा, सेम यही अमाइड बन जाएगा, सेकंड डिग्री अमाइड बाय न्यूक्लियोफाइल। हैव यू नोटेड इट डाउन, यस और नो? बताओ ये ऑक्सीजन अमाइड में और ये हाइड्रोजन आए कहां से? H2O से आए ना, H2O से आए ना, फ्रॉम सॉल्वेंट। सेकेंड डिग्री अमाइड में जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया? H2O से आया। डन बच्चों, अब इसकी जगह कोई एल्डिहाइड होता तो सेम चीज, बहुत ही आसान। यहां से एक तरफ हाइड्रोजन होता तो ये तो बन जाता, लेकिन इधर क्या बन जाता? मान लो R2 की जगह हाइड्रोजन रख लेता हूं सब जगह, तो सेम योकायो, सेम योकायो कॉपी पेस्ट, R2 की जगह हाइड्रोजन रख लेता हूं,
आर वन की जगह तो आर वन ही है, आर टू की जगह हाइड्रोजन रख लेते हैं हम लोग। ये बन गया सी डबल बॉन्ड एन, एन टू पॉजिटिव, हाइड्रोजन रख लिया आपने। जैसे ये निकला तो ट्रांसपोजिशन वाला माइग्रेट करेगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम के साथ। ये हो गया एन, एच पॉजिटिव, पहले तो ये बनेगा सी डबल बॉन्ड एन एच, आर वन, फिर ये इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। एच आयन फायर करो, जब हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ तो साइनाइड बना, लेकिन जब आर माइग्रेट हुआ तो सेकेंड डिग्री अमाइड बना। सेम सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो एल्डिहाइड कीटोन की सब रिएक्शन हो गई स्मिथ रिएक्शन। एचओइक एसिड के साथ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों की रिएक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं एचओइक एसिड के साथ, N2 तो तीनों में निकलेगा क्योंकि N3H N3H में हाइड्रोजन इतने ज्यादा है। अगर हम स्मिट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बोलते हैं तो आइसोसाइनेट भी बनता है, इसलिए प्राइमरी अमीन भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आइसोसाइनेट नहीं बनता जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन होती है एजोइक एसिड की, तो यहाँ पर आइसोसाइनेट नहीं बनता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनता है, यहाँ पे फुली डेवलप्ड नाइट्रीन भी नहीं बनता। जैसे ही उसमें रीअरेंजमेंट होता है आपका, तो आप ट्रांसपोजिशन वाले ग्रुप को ले जाएंगे, उसके बाद आपका हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ एल्डिहाइड में, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप कोई भी माइग्रेट हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है जिसपे N2 लिविंग ग्रुप सी के ऊपर लगा हुआ है। जब N2 जाएगा माइग्रेट होगा तो सेकेंड डिग्री अमाइड, एल्डिहाइड कीटोन्स को दोनों साइड R1 R2 के साइड NH इंसर्ट कर दो तो आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, और एक साइनाइड बना लो हाइड्राइड ट्रांसफर हाइड्रोजन के ट्रांसफर से। एंड आर का जब माइग्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ जाएगा आर, तो आपका सेकेंड डिग्री अमाइड बन जाएगा एल्डिहाइड के एजोइक एसिड के साथ रिएक्शन में भी। दैट्स ऑल, दिस इज अबाउट दिस। चलो बच्चों हम लोग कुछ 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। लेट अस हैव दस मिनट के बाद मिलते हैं बच्चों, हम लोग दोबारा रेज्यूम करेंगे। हैव ब्रेक।
Yes. Yes, please tell me. Okay students, let us continue. तो ये special type का carbocation, special type की bonding situation और कौन सा group migrate होगा nitrogen की तरफ उसके ऊपर depend करता है कि वो ग्रुप फायर होगा या फिर वो ग्रुप जो कार्बोकैटायन बनाएगा माइग्रेट होने के बाद उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और नया प्रोडक्ट बनाएगा. तो बस बड़ा सिंपल है, आपको तो डायरेक्टली रिएक्शन ध्यान रखनी है व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्शन इज. अगर मैं कुछ क्वेश्चन ले लूं, वेरी इजी, यू हैव टू राइट डाउन प्रोडक्ट्स for all the questions.
एजोइक एसिड की रिएक्शन सर, इस रिएक्शन में आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? इसमें जो माइग्रेशन होता है ना, माइग्रेशन वो ही आरडीएस होता है. माइग्रेशन होता है, दैट इज आरडीएस, क्योंकि अनस्टेबल बना तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी उस स्टेप के लिए. कार्बोकैटायन जो बना है, दैट इज आरडीएस. राइट डाउन प्रोडक्ट्स, ये सब कीटोन वाले लिख रहा हूं मैं पहले. सेम रिएजेंट एजोइक एसिड H2O के साथ विद हीटिंग. ये एल्डिहाइड है आपके. फाइन, सेम रिएजेंट डैश डैश मतलब वही है, एजोइक एसिड आप लोग यूज कर रहे हैं. CH2 लगा लेते हैं इसमें. कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, तीनों की रिएक्शन आपकी. एंड द फाइनल प्रोडक्ट, टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट्स, टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट्स. बताओ बच्चों, इससे सेकेंड डिग्री एमाइड आप लोग बना लेंगे तो इधर NH आ जाएगा, इधर NH इंसर्ट कर दीजिए. इधर करें या उधर करें, आपके आंसर को तो फर्क पड़ेगा नहीं. तो ओनली वन प्रोडक्ट इज देयर, दिस एमाइड. डन. नाउ सेकेंड वन, ओनली वन प्रोडक्ट. सिक्स मेंबर की रिंग आप लोग बना देंगे. दिस इज योर आंसर. यहां पे सेवन मेंबर की रिंग आप लोग बना देंगे क्योंकि एक NH और आना है. ये सब लैक्टम बन रहे हैं, साइक्लिक अमाइड और लैक्टम. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में लैक्टम बने आपके. 3 मेंबर की रिंग का लैक्टम 4, 5, 6, 7 अल्फा लैक्टम, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा. तो दिस इज ओमेगा लैक्टम. इसको कैप्रोलैक्टम भी बोलते हैं, ओमेगा कैप्रोलैक्टम. कितने कार्बन है इसमें? 1, 2, 7 मेंबर की रिंग में 6 तो कार्बन है. ओमेगा कैप्रो, इस कैप्रोलैक्टम कैप्रोइक एसिड का लैक्टम है इनफैक्ट. तो इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो छह कार्बन हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और छठे कार्बन पे NH2 होगा.
इसी का ही पॉलीमर होता है नायलॉन 6, इसी का ही पॉलीमर होता है नायलॉन 6, और पॉलीमर बनता कैसे है ये उसका यूनिट है जो रिपीट कर रही है पॉलीमर नायलॉन 6 की। पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है OH और NH2, यहां से HOH निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O NH अमाइड बन जाएगा। तो इधर भी अमाइड है, इधर भी अमाइड है, तो इसका OH निकल जाएगा इधर और इसका H निकल जाएगा। तो H निकाल कर आप पॉलीमर को रिपीटिंग यूनिट को ऐसे दिखाएंगे नायलॉन 6। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा लेक्टम है जो मोनोमर का काम करता है फॉर नायलॉन 6। 6 कार्बन है इसमें इसलिए नायलॉन 6 बोलते हैं। कई नायलॉन्स आप लोग पढ़ते हो पॉलीमर में नायलॉन 6 बट दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, पॉलीमर चैप्टर में आता है। डब्रू कैप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 हम लोग बना सकते हैं, दिस वे दिस इज नायलॉन 6। वैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, उस हाइड्रोलिसिस से जो बना वो मोनोमर है। एक्चुअल में मोनोमर तो ये है, दिस इज मोनोमर, बट इसकी हाइड्रोलिसिस की तो ये स्टार्टिंग मटेरियल आपका है, बट कोई ऑप्शन नहीं हो तो हम इसी डब्रू कैप्रोलेक्टम को ही मोनोमर बोल देते हैं, यही आता है इनफैक्ट। दैट्स ऑल लेक्टम के बारे में डिस्कशन। लेक्टम और लेक्टोन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। इसमें आपके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो साइनाइड बनेगा, लेकिन जब फिनाइल शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे तो अमाइड बनाएगा, सेकेंड डिग्री अमाइड। सेम वे जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो साइनाइड बनाएगा और जब इथाइल शिफ्ट होगा तो सेकेंड डिग्री अमाइड बनाएगा। These are your products. What about this? ये तो NH2, N2 और CO2 साथ में निकलेंगे। ये isocyanate वाला mechanism है। Isocyanate इसमें intermediate बनता है। This is the intermediate. तो isocyanate और primary amine तो carboxylic acid का azoic acid के साथ reaction में मिलता है, बाकी सब में तो आपको अमाइड्स और एल्डिहाइड में साइनाइड भी मिलते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। उनमें नाइट्रीन भी नहीं बनती है, एल्डिहाइड कीटोन का एजोइक एसिड के साथ रिएक्शन उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन मिलता है। दैट्स ऑल। अब हम लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें नाइट्रीन तो नहीं बनती पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनता है, और दैट इज लास्ट रिएक्शन एंड दैट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइन। बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइन एल्डिहाइड या कीटोन जब हाइड्रोक्सिल हम लोग जानते हैं ऑक्साइन बनते कैसे हैं। यहां पे एल्डिहाइड कीटोन जो भी होगा वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा और इसके लिए मोस्ट स्टेबल पीएच होती है पीएच 4.5, क्योंकि 4.5 के ऊपर इसके प्रोटोनेशन होकर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम पीएच ये रखते हैं। फाइनल अमोनिया डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स के डब्बा केमिस्ट्री से एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोक्साइन बन जाएगा और कीटोन लेंगे तो कीटोक्साइन बन जाएगा। एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम
एल्डोक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सोर्स होते हैं, हमने जीआई में पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओएच की पोजीशन के रिस्पेक्ट में एल्डो ऑक्साइम में हाइड्रोजन की पोजीशन देखते हैं, सेम साइड है अपोजिट साइड है सिन और एंटी, और जब कीटो ऑक्साइम होता है तो हम लोग देखते हैं ओएच के रिस्पेक्ट में कौन सा एल्काइल ग्रुप सिन साइड है कौन सा एल्काइल ग्रुप एंटी साइड है। तो सिन और एंटी कॉन्फिगरेशन हम लोग यूज करते हैं ऑक्साइड्स में। तो देखिए तो इसमें दो अलग अलग ग्रुप है, लोन पेयर को एक जीरो एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप लेके चलते हैं कॉन्फिगरेशन देखने के लिए, और यहां पर भी दो अलग अलग ग्रुप रहेंगे आपके, तो जीआई का जन्म होगा। दिस इज व्हाट कीटो ऑक्साइम इज, ये आप लोग जानते हैं। तो जो ऑक्साइम इस रिएक्शन से आप बनाना जानते हैं पहले से, जो ऑक्साइम बन जाएंगे उनकी रिएक्शन है ये बैकमैन रिअरेंजमेंट। तो एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्साइम का फॉर्मेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके आप पहले देख चुके हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आप पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देख चुके हैं, वो पुरानी चीजें हैं, वो यहाँ पर भी यूज होंगी क्वेश्चन करते टाइम, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अबाउट ऑक्साइम याद दिला दिया आपको। मैं ये रिएक्शन है आपकी ऑक्साइम की, देखो बच्चों मोस्ट ऑफ केसेस में H2SO4 और हीटिंग रिक्वायर्ड रहेगा, सिर्फ HIN हीटिंग ज्यादातर ये मिलेगा। यहाँ पे रिएजेंट बहुत सारे चेंज होते रहेंगे, तीन चार जो बहुत फेमस है वो, यहाँ पे कोई भी लिविस एसिड आपको मिल सकता है। HIN खुद लिविस एसिड है जो H2SO4 देगा, PCl5 आपको मिलेगा क्वेश्चन में, कभी कभार PCl3 भी मिलेगा, ये भी लिविस एसिड है। SOCl2 लिविस एसिड है, SO2 लिविस एसिड है, P2O5, BF3, R SO2Cl, R SOCl, R SO2Cl itself is TSCl, ये तो आप जानते ही हो S double bond की वजह से। These are all can act as Lewis acids. तो यहाँ पे और कोई भी Lewis acid जो ज़्यादा famous हैं, वो आपके ये सब हैं. These are very famous. PCl3, PCl5, HIN heating तो mostly लिखा ही रहेगा. These are very very common. H2SO4. ये तीन बहुत ज़्यादा famous हैं questions में. वेरी वेरी फेमस। अब इसमें होता क्या है, ये रिअरेंजमेंट रिएक्शन तो है बट ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी है। देखिए R1 C डबल बॉन्ड O NH R2 OH के ट्रांस में R1 है, OH के ट्रांस में R1 है, तो R1 माइग्रेट होगा इधर, तो नाइट्रोजन के ऊपर R1 आएगा, इधर R2 रह जाएगा। अगर इसमें दोनों GI लोगे तो दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। बताओ ये ऑक्साइम है, ये सेकेंड डिग्री अमाइड है, ये ऑक्साइम है, ये सेकेंड डिग्री अमाइड है। इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, देख सकते हैं R1 R2 में जितने कार्बन है वो है
एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन आर्बन आर टू के अलावा है, एक कार्बन उनके अलावा है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों साइड, तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप फंक्शनल आइसोमर्स है। तो फंक्शनल दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो बैकमैन रिअरेंजमेंट इज जस्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन। बैकमैन रिअरेंजमेंट इज जस्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन। बैकमैन रिअरेंजमेंट इज जस्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इन सिंपलेस्ट पॉसिबल वे बैकमैन रिअरेंजमेंट इज जस्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन। लेकिन R1 की जगह पर हाइड्रोजन होता तो यहां साइनाइड प्रोडक्ट बनता, ये शायद आप पहले से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, जैसा कि वो स्पेशल कार्बोकैटायन जिसकी मैंने बात की थी, जिसका बिहेवियर हमने डिस्कस किया था, वही बैकमैन रिअरेंजमेंट का और एल्डिहाइड कीटोन का एजोइक एसिड के साथ रिएक्शन का बेसिस है। तो लास्ट तीन रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन है, इनमें आइसोसाइनेट या नाइट्रीन तो नहीं बन रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बन रहा है, जिनका मैकेनिज्म आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म। तो इसमें कई सारे हो सकते हैं। लुईस एसिड, लुईस एसिड का काम क्या है, लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ इट। सबसे पहला काम तो कोई भी बच्चा इतना जरूर कर लेगा, कौन ट्रांस पे रखा आपने, R1 रखा ना OH के, तो मैं ऐसे करके लिखूं, एक ही बात है, कोई भी लुईस एसिड होगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले लेगा, और लेने के बाद जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा आपका, जैसे H पॉजिटिव आया तो O पॉजिटिव बना दिया लाइक दिस, तो जो सबसे कॉमन आपको मिलेगा वो H पॉजिटिव मिलने वाला है, तो उससे प्रोटोनेशन होने के बाद ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी लुईस एसिड होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर लेकर वो लुईस एसिड में कन्वर्ट कर, लुईस एसिड के रूप में एक्ट करते हुए O पॉजिटिव, O को O पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, दैट वी नो। अब तो आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, वेरी एन पॉजिटिव तो बनने नहीं देंगे हम लोग, लेकिन सी पॉजिटिव बना लेंगे हम लोग। तो माइग्रेट हो गया इस बार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बन रहा है क्योंकि H2O निकल रहा है, R1 ट्रांसफर किया तो R1, और ये हो गया आपका वही स्पेशल कार्बोकैटायन। अगर ये एल्डो ऑक्साइड होता तो हाइड्रोजन भी हो सकता था R1 की जगह पर, ल्यूकोपोनॉइड। ये रिअरेंजमेंट ही RDS है, ये इस लोवेस्ट स्टेप है, इस RDS, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ इस स्पेशल कार्बोकैटायन में तो साइनाइड आंसर हो जाएगा, पर वो तो एल्डोक्साइम में ही हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर कीटोन है तो ये सिचुएशन बनेगी नहीं, अगर सिंपल एल्काइल ग्रुप है तो ये लीव करके जा सकता है, अगर इसके जाने से स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज वाला स्पेशल कार्बोकैटायन और न्यूट्रल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। लेकिन हम लोग डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं सॉल्यूशन, तो वहां पे पानी है, एक्वा सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब केस वन, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे HIN फायर करके OH लिख दोगे, NH N R1, टोटोमराइजेशन शायद आप करवा लोगे आराम से, और सबको समझ में आता है कि OH का ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहां से आया, वो आया आपका वाटर से, सॉल्वेंट से आया आपका, दीज आर फ्रॉम सॉल्वेंट। तो ये तो वही पुराना मैकेनिज्म है, दिस इज ओल्डर मैकेनिज्म।
ट्रांसपोजिशन पे कौन सा ग्रुप है वो माइग्रेट होगा नाइट्रोजन के ऊपर इस रीअरेंजमेंट में, ये मत देखना कि मुझे स्टेबल कार्बोकोटाइन बनाना है, कार्बोकोटाइन कम ज्यादा स्टेबल कैसा भी बने, बट ट्रांस वाला दिस रिएक्शन इज वेरी स्टीरियो स्पेसिफिक। सिस वाला क्यों नहीं होगा सर? ये तो खुद ही सोच सकते हो आप, लिविंग ग्रुप इधर से जा रहा है, जिधर से कोई चीज निकलेगी उधर से एंट्री करेगी, ट्रांस वाला आने की चांसेस ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आप लोग दोनों दोनों जैसे कि E1 और SN1 पहले कार्बोकोटाइन बना लेते थे, लिविंग ग्रुप चला जाता था, उसके बाद आता था न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे N पॉजिटिव नहीं बनाएंगे आप, पहले लिविंग ग्रुप को नहीं भेजेंगे, एक साथ ही होगा, साथ होगा तो जो स्पेस के हिसाब से जो कन्वीनियंटली हो सकता है वो होगा। लिखो माइग्रेशन, कुछ पॉइंट्स लिख लो, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप एट एंटी पोजिशन ऑफ OH, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑन एंटी पोजिशन, अंडरलाइन एंटी पोजिशन, ये सब ऑब्जेक्टिव काम आएगा। जब ये ऑक्साइम का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे ही नहीं रखा तो किसी को भी एंटी पे मान सकते हो, आपकी चॉइस, दे रखा है तो सोचना पड़ेगा। माइग्रेशन ऑफ ग्रुप एट एंटी पोजिशन ऑन नाइट्रोजन, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन इज RDS, अंडरलाइन एंटी पोजिशन इज RDS। ये सारे के सारे लिविस एसिड क्या करते हैं, दिस कन्वर्ट OH इनटू एक बॉन्ड बना के ओ पॉजिटिव में बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, और लिव करवाना हमारा काम है इधर, में कहते हमें OH को लिव करवाना, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है इसलिए जो ट्रांसफर होगा वही आएगा बड़ी खुशी से। तो कॉन्फिगरेशन, ग्रुप प्रेजेंट एट ट्रांसपोजिशन विल माइग्रेट, एंटी पोजिशन में जो ग्रुप होगा OH के रिस्पेक्ट में वो आएगा, सिंपल। बाकी इसके बारे में सब कुछ आप पहले से जानते हैं, नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट इट। प्योरली इंट्रामोलिकुलर है ये, बाकी एवरीथिंग यू नो, नथिंग बिग to discuss, nothing is left to discuss. Let us directly come to questions. बस मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ आपको जल्दी से आंसर बताना है उनका। सर। यस। सर कब तक है क्लास? बस 5 more minutes. Let me write questions. आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए बस। OH. मैं एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं बना देता हूँ तो अच्छी बात है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन ना देखें, आप देखें कॉन्फिगरेशन की OH के ट्रांस में क्या है, जो मैंने बोला वो आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन ना देखें, क्या देखें OH के ट्रांस में कौन सा है वो आपको रीअरेंजमेंट में माइग्रेट करवाना है, प्लीज रिमेंबर इट। यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखना, ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन देखना है, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन देखनी है। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये जरूर लिख लेना, यहाँ पे आपकी मिस्टेक होने वाली है।
Have you noted down all the examples? Niklo, no nitrene formation, only electron deficient nitrogen is there in mechanism. Purely intramolecular configuration of migrating group at antiposition remains same. नाइट्रोजन पे जाने के बाद भी वही कॉन्फ़िगरेशन आपकी रहेगी और एंटी पोजिशन वाला जाएगा. ये सब स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैं एक बार और एग्जांपल इन कंटिन्यूएशन लिख देता हूं. कीप नोटिंग. मैं इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को मान लीजिए 4 पोजीशन दे देता हूं तो आपको बताना है. अलग अलग कर देते हैं इस बार. ओ इसका डायरेक्शन इसको 3 और इसको 4 दे देता हूं. मैं एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही ले रहा हूं. अगर मैं एक स्टीरियो आइसोमर ना दू आपको और चलो बच्चों यहां पे बताओ अमाइड बनेगा तो कौन माइग्रेट करेगा. सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन के ऊपर कौन रहेगा एंटी पोजिशन वाला ओएच के इथाइल आ जाएगा और दूसरा मिथाइल. मिथाइल है तो मिथाइल आ जाएगा. इथाइल उधर ही रहेगा. यहाँ पे ओएच के एंटी कौन सा है ये नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट होकर आ जाएगा. सेकेंड डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन के ऊपर कौन आएगा आइसोप्रोपाइल आ जाएगा. This is your answer. यहां पे कोई भी आए माइग्रेट वैसे ये वाला कार्बन माइग्रेट होकर आएगा इसके ऊपर और 5 मेंबर का बन जाएगा ये अमाइड. C डबल बॉन्ड O NH. यहां पे माइग्रेट होकर ये वाला कार्बन आएगा स्टार वाला कार्बन 5 की बजाय ये 6 मेंबर का बन जाएगा आपका NH
सी डबल बॉन्ड हो, लेकिन स्टार वाला कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा लेक्टम में। यहाँ पर अगर मैं बात करूं OH के एंटी, ये पूरा ग्रुप है, ये नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, तो CH3 सी डबल बॉन्ड O, स्टीरियो केमिस्ट्री यही बोलती है। NH, NH के ऊपर आपका ये पांच मेंबर की रिंग उठकर आ जाएगी। डन बच्चों, ए जी, यस, सिंपल। यहां पर वैसे माइग्रेटिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा थी, पर वो हमें नहीं देखना है, हमें तो पोजीशन देखनी है। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर OH के रिस्पेक्ट में ये पूरा एंटी ग्रुप है, तो ये बिना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की तरह है। NH के ऊपर ये पूरा आ जाएगा, और दूसरे ग्रुप क्या क्या थे आपके, CH3 था ना कार्बन के ऊपर, तो वो कार्बन के ऊपर ही रहेगा। दिस इज योर प्रोडक्ट 6 का। एनी कंफ्यूजन एनीवन बच्चों? एंटी पोजिशन देखो, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन करवाओ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत करो, यही चल रहा है सारा का सारा नाइट्रिन मैकेनिज्म में, बेसिक फंडा यही चल रहा है बार 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 बार। यहां पर देखो दो दो ऑक्साइम है, तो एक इधर शिफ्ट होगा तो चार मेंबर से पांच मेंबर की रिंग बनेगी, फिर पांच से छह मेंबर की रिंग बनेगी, फाइनली छह मेंबर की रिंग बनने वाली है। लेकिन यहां OH के रिस्पेक्ट में ये वाला, यहां OH के रिस्पेक्ट में भी थ्री वाला, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा कार्बन जाकर अटैच होगा? छह मेंबर की रिंग तो बनने वाली है, दो बार रिंग एक्सपेंशन होने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, बताओ थ्री वाला कार्बन एनएच से जुड़ा हुआ होगा, थ्री वाला कार्बन एनएच से जुड़ा हुआ होगा। दिस इज कार्बन नंबर थ्री एंड दिस इज कार्बन नंबर फोर। लेकिन यहां पर OH के रिस्पेक्ट में थ्री है और इस OH के एंटी पे ये फोर है, तो यहां पर सेम नंबर चेंज हो जाएगा, एक के यहां पर थ्री होगा, एक के यहां पर फोर होगा, डिफरेंस होगा यहां पर, और पोजीशन भी डिफरेंट रहेगी अगर हम देखें तो, NH और NH, एक का थ्री रहेगा नाइट्रोजन पे तो एक का फोर रहेगा नाइट्रोजन पे। दिस वे यहाँ पे OH के एंटी पे फिनाइल है, तो फिनाइल जाएगा यहाँ पे OH के एंटी पे, ये पूरा बड़ा सा ग्रुप है, तो वो माइग्रेट होके नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा सेकेंड डिग्री अमाइड में। जैसे इसका प्रोडक्ट में लिख दूं सी डबल बॉन्ड ओ NH, NH के बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ उठा के रख दो, दैट इज योर आंसर। इसके अलावा हमें अब नॉर्मल बैकमेंट रिअरेंजमेंट और देखना है, दैट वी विल सी। ये तो नॉर्मल बैकमेंट रिअरेंजमेंट था, और इसके साथ आपका नाइट्रीन मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, नाइट्रीन मैकेनिज्म इज ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, वी विल स्टार्ट कार्बन मैकेनिज्म टुमारो।